आज की इस वीडियो में मैं आपको फसलों को चूस कर नुकसान करने वाले कीटों को मारने वाली पीआई की कीटनाशी पेशकश ओसिन के बारे में बताऊंगा, जिसमें डाइनेटोफ्यूरान 20% एससी फार्मुलेशन में पाया जाता है। तो आइए जानते हैं इसके प्रयोग की मात्रा, किन किन फसलों में प्रयोग करते हैं, इसकी विषाक्तता क्या है, यह कितने दिनों के लिए फसलों में काम करती है, अर्थात वेटिंग पीरियड क्या है, इत्यादि सारी जानकारी। मैं हूं आपके साथ संजीव शंकर तिवारी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिएटिव साइंस में। डाइनेटोफ्यूरान नियोनिकोटिनाइड समूह की प्रणालीगत कीटनाशक दवा है, जो कि अपने लक्षित कीटों एफिड, जेसिड, थ्रिप्स, लीफ माइनर, लीफ हॉपर, मिलीबग, लेसबग, बिलबग, बीटल्स को मारने का काम करती है। बात करें अगर इसके मोड ऑफ एक्शन की, तो यह कीटों के तंत्रिका तंत्र के एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर में बाधा उत्पन्न कर उन्हें मारने का काम करती है। बात करें इसके प्रायोगिक फसलों की, तो इसके प्रायोगिक की मुख्य फसलें धान और कपास की हैं। साथ ही साथ इसका प्रयोग सभी प्रकार की सब्जियों में भी किया जाता है। इसमें ट्रांसलैमिनेट गुण पाए जाते हैं, अर्थात जो पत्तियों के नीचे छिपे हुए कीट होते हैं उनको भी ये मारने का काम करती है। साथ ही साथ ये दवा बहुत ही जल्द पेड़ों में अवशोषित हो जाती है और ऊतकों में फैल जाती है, मतलब इससे बरसात से धुलने का डर नहीं रहता है, बस बरसात 3 घंटे बाद होनी चाहिए। इसमें फाइटोटोनिक प्रभाव भी पाया जाता है, जिससे पौधे को स्वस्थ और हरा भरा भी बनाने का काम करती है। बात करें इसके प्रयोग के मात्रा की, तो 60 से 80 ग्राम प्रति एकड़ 200 लीटर पानी के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी जो टॉक्सिसिटी है वो ब्लू लेवल की होती है। तो आज की इस वीडियो में इसी जानकारी के साथ मैं चाहूंगा आपसे इजाजत, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में और जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम। Subscribe and press the bell icon on the YouTube app to never miss an update.